सभी को जय श्री श्याम। इस समय हम महाकाल की नगरी उज्जैन में हैं और जगह भी कौन सी है, श्री सांदीपनी ऋषि का आश्रम। कितनी मनमोहक बात है कि इस समय त्रिभुवनपति भगवान शंकर ने हमें यहाँ होने का सौभाग्य दिया। इस समय देखिए, ये तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी ने वो भजन जरूर सुना होगा, एक बार सरगा के सुनाइए आप सभी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, ओ मेरा उठ विरह में पीड़ सखी, वृंदावन जाऊंगी। तो आज हम जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की, उनकी भी दशक ले आए हैं। क्या बात, और उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करने आए कि हमें भी सद्बुद्धि दें, सद्मार्ग दें, ताकि गुरु चरणों के माध्यम से हम भगवत चरणों तक पहुंच सके, हमारी यही विनम्र प्रार्थना। और देखिए, हिसार से चलकर उज्जैन कितनी दूर है, 1000 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ भी ये जो पीछे जो प्रेमी खड़े हुए हैं, ये बाबा श्याम की वो अनन्य दास हैं जो यहाँ से खाटू धाम कितना पड़ता है, शायद 1500 किलोमीटर जाना, 1500 आना, 3000 किलोमीटर छोटी बात नहीं। जब इनको पोस्ट के द्वारा पता चला कि यहाँ बाबा ने दरबार में बुलाया हुआ है, तो देखिए कितने प्रेम भाव से, कितने आदर भाव से भगवान। क्या बात, बहुत ही। देखिए, मैं ये बात बताना चाहूंगा आप सभी दर्शकों को, आप लोग बहुत प्रेम प्यार दे रहे हैं अशोक जी को, तो क्योंकि देखो ये एक सेवादार है और बाबा से अरदास लगाते हैं, दिल से अरदास लगाते हैं, बहुत सारे भाइयों की अरदास पूरी होती है, तो बहुत लोगों का दिल करता है कि अशोक जी से मिले। उसी भाव से जैसे ही इनको पता लगा कि क्या नाम होगा, कमल पांचाल जी, जी कमल जी को जैसे ही पता लगा कि भाई उज्जैन में है अशोक जी, उस पे से लाए और देखिए बिल्कुल क्या बात है, मतलब और बाबा महाकाल का ये गिफ्ट उन्होंने दिया, लेके आओ उसको, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मेरा ही मान सम्मान किया भाई बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा लगता है। एक अद्भुत क्षण है जो कल्पना से भी परे है, मेरे पास शब्द नहीं है फिलहाल इन बातों के लिए कि मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज के लिए, तो मैं निशब्द रहना ही यहाँ पसंद करूंगा। और सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट कि खुद गुरुदेव त्रिभुवनपति भगवान शिव किस रूप में हमारे पास आए, बस हम बता नहीं सकते। और तहे दिल से आभारी हैं हम इन प्रेमियों के कि आप सभी इतना प्रेम देते हो, इतना कीमती समय देते हो, हम कर्जदार ही हैं आपके, आप सभी के। और बाबा ने हमें ये सेवा नहीं दे रखी कि आप हमारी सेवा करो, बाबा ने हमें सिर्फ इतनी सेवा दे रखी है कि मेरे प्रेमियों के पैरों की धूल उठा के माथे लगाते चले जाओ, आपको कहीं कोई विफलता नहीं मिलेगी। और मैं खुद गवाह हूँ भाई इस चीज का, हिसार से यहाँ पहुंचे हैं कोई छोटी बात नहीं है, खुद गुरुदेव त्रिभुवनपति भगवान शिव लेकर आए हैं अपने आदेशानुसार जो कुछ भी हो रहा है। और अब देखिए आदेशानुसार, हमने अपनी काफी वीडियो में जिक्र किया है कि कभी भी भगवान की कोई फोटो या प्रतिमा खरीद कर नहीं लाई जाती, यहाँ भी देखिए खुद भगवान शिव कहाँ से चल के आए हैं, मतलब कल्पना से भी परे। और श्री सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जो शब्दों का वर्णन नहीं हो सकता, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस जो ये आश्रम है इसके बाहर देवी देवता शायद लाइन में खड़े हुए हैं कि हमें भी वो दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो, लेकिन नहीं हो सकता भाई, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेमी बनना पड़ेगा। और जो यहाँ बाबा ने जो सौभाग्य दिया है वो कल्पना से भी परे है, उनका हमारे पास कोई शब्द नहीं है। और आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बस क्या बोले आपको, आपने बाबा ने मौज कर दी, और जैसे मेरी मौज की, हमारी मौज की, हम यही कहेंगे कि ठाकुर जी सभी की मौज कर दें और सभी प्रेमियों को श्रीधाम जरूर बुलाएं, जरूर बुलाएं, जरूर बुलाएं। आप सभी को जय श्री श्याम, जय श्री।